वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया जो जिसमें हम ऐसा मीडिया यूज करते हैं जो अनगाइडेड है, जैसे आपके आपको कोई वायर नहीं यूज करना पड़ता है इसमें, तो वायरलेस या कहें अनबाउंडेड या कहें अनगाइडेड मीडिया ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को जिसमें एक फिजिकल कंडक्टर होता है। यहां पर वायर वगैरह नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई फिजिकल कंडक्टर चाहिए होगा। जो सिग्नल है उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, चाहे एयर में कर दिया जाए चाहे वाटर में कर दिया जाए, और वो सबके लिए अवेलेबल होता है। यानी जो कैपेबल होगा डिवाइस उसको रिसीव करने के लिए वो उसे रिसीव कर लेगा, बाकी उसको एज अ नॉइस छोड़ देंगे। और जो वायरलेस मीडिया है उसमें शुरुआत करते हैं आपके इंफ्रारेड से। तो इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड है क्या बेसिकली, अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें लाइट के स्पेक्ट्रम को, तो इंफ्रारेड जो है वो रेड के बाद में आता है। जैसे अगर आप विबग्योर की बात करें तो उसके बाद में आता है, जब जो रेड हो जाता है ना उसके आगे आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, इंफ्रारेड एक फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो हमको विजिबल नहीं है। आप जैसे जब अपना टीवी ऑन ऑफ करते हैं, कैसे ऑन ऑफ करते हैं अपने रिमोट से, उसमें आपको कुछ दिखता तो है नहीं लेकिन उसमें उसके बैकग्राउंड में इंफ्रारेड काम कर रही होती है और उसमें काफी अच्छा वेवलेंथ है। जैसे विजिबल लाइट है वेवलेंथ रेड से लेकर वायलेट तक, इसमें भी वेवलेंथ है। फार इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो थर्मल होती हैं, वो मतलब कोई गर्म चीज अगर जाननी है तो उसके लिए अब ये सेंसर यूज होते हैं। और ये रीजन है कि हमको, आप देखिए धूप में खड़े हो जाए तो गर्मी लगेगी, या फायर के पास खड़े हो जाए, रेडिएटर के पास खड़े हो जाए, तो ये फार इंफ्रारेड में आता है। तो जो शॉर्टर होती हैं, जो नियर इंफ्रा एनआईआर वेव्स होती हैं, वो हॉट नहीं होती हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आती तो वो आईआर रेंज में ही है, लेकिन वो हॉट नहीं होती है, आप फार इंफ्रारेड गर्म होती है। तो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो हम टीवी रिमोट में यूज करते हैं। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, इसके लिए ट्रांसीवर चाहिए। ट्रांसीवर मतलब होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसमीटर रिसीवर का, दोनों ही डिवाइस जो कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि आप देखिए लैपटॉप कंप्यूटर है, पीडीएस है, डिजिटल कैमरा है, आपका मोबाइल फोन है, पेजर्स है, जितने भी डिवाइसेस हैं इसमें आपका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। जब आप देखिए, अगर आप अपना रिमोट जो है किसी और डायरेक्शन में दिखाएंगे तो आपके टीवी के चैनल चेंज नहीं होंगे, उस डायरेक्शन में दिखाएंगे तो फटाफट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट में काम करता है, डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है इसमें, काफी फॉग से बड़ा सेंसिटिव है और बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो बहुत ही सेंसिटिव है। एडवांटेज इसके ये है कि अगर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है तो सबसे बढ़िया सिक्योर मेथड है ये, और बिल्कुल ही इनएक्सपेंसिव है ये, क्योंकि यू नो केवल एक आपको सेंसर चाहिए और यहां से आप देंगे वो अपनी रीड करेगा और उसके हिसाब से काम करेगा, इनएक्सपेंसिव है। अब शॉर्ट रेंज के लिए ही काम हो सकता है, डिसएडवांटेज इसका ये है। और जो इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन है वो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आप किसी दूसरे कमरे से अपने टीवी को ऑन करने की कोशिश करें तो ऑन नहीं होगा, तो ये जो दीवारें वगैरह हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ इस तरीके की है कि वो बिल्डिंग क्रॉस नहीं कर सकती या चीजें क्रॉस नहीं कर सकती या ये मूव नहीं करती। जो एक जैसे अगर आप वाईफाई वगैरह देखेंगे जो हम देखने वाले हैं, तो वो दरवाजे के को जैसे पानी बहता है ना, दरवाजे के को टच करके ऐसे मुड़ जाएंगी तो आपका कम्युनिकेशन हो जाता है।